और ये लोग करप्शन में लिप्त पाए गए हैं और समय से पूर्व ही इन्हें घर भेज दिया गया है कि आप आराम करें, रेस्ट करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर सेवाएं दें और लोगों को मूर्ख बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक सर समाचार से। जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन किस हद तक है और इसमें कई सरकारी कर्मचारी जो हैं वो किस हद तक करप्शन करते हैं, आप सोच नहीं सकते। एलिगेशन्स लगते रहते हैं, कई सारी चीज़ें जो हैं वो सार्वजनिक भी होती है, कई सारी चीज़ें जो हैं दब कर रह जाती हैं और सामने नहीं आ पाती हैं। आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, 9 सरकारी कर्मचारियों को प्री मेच्योर रिटायरमेंट दे दी गई है और इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। और जिस विभाग में ये 9 कर्मचारी कार्यरत थे वो हम आपको बताएं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, उसमें ये कार्यरत थे और एक कमेटी बनाई थी जो जांच कर रही थी और उस जांच में ये पाए गए कि ये जो हैं ये भ्रष्टाचारी हैं, इनके पीछे एंटी करप्शन भी पड़ी हुई थी और ना जाने किस किस तरह से ये लोग जो थे वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, फंड्स का दुरुपयोग कर रहे थे। कहीं कंस्ट्रक्शन जहां नहीं होती थी वो भी कंस्ट्रक्शन की परमिशन से इन लोगों ने दे रखी इसलिए थी कि हो सकता है वहां से भी पैसा मिल रहा हो। तो ज़्यादातर फोकस जो है वो पैसों पे ही है और फिर समाज चाहे बने या बिगड़े, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और आर्टिकल 226 की क्लॉज 2 के तहत, कॉलम जो 2 है, आर्टिकल 226 का कॉलम 2, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है और 9 सरकारी कर्मचारियों को प्री मेच्योर रिटायरमेंट दे दी गई है। उन कर्मचारियों के मैं आपको नाम बताऊं, जो नाम हमारे पास आए हैं, महराजुद्दीन बूजा, ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वहाँ पर हेड असिस्टेंट रेवेन्यू सेक्शन वहाँ पर रहे हैं और इन लोगों ने वहाँ पर काफ़ी सारी धांधलियाँ जो थी मचाई थी। एक गुलाम मोहिउद्दीन मलिक, ये ईओ म्यूनसिपल काउंसिल थे अनंतनाग के और इन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन, इरेगुलेटरीज इन फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस, इलीगल कंस्ट्रक्शन और काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो इधर से उधर की हुई थी, इनको भी प्रीमेच्योर रिटायर कर दिया गया है। शाबिर अहमद वानी हैं जो असिस्टेंट थे सैनिटेशन ऑफिसर MC शोपैया में और वहाँ पर इन लोगों ने भी, इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन में कुछ धांधलियाँ करवाई थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाई थी और फंड्स को भी यहाँ से वहाँ किया हुआ था। इसके अलावा जाकिर अल सैनिटरी सुपरवाइज़र हैं MC डोडा के, इनको भी प्री मेच्योर रिटायर कर दिया गया है। अब्दुल लतीफ़ हैं जो हेड असिस्टेंट हैं MC बनिहाल के, इनको भी प्री मेच्योर रिटायर किया गया है। मिस्टर सुकेश कुमार हैं सीनियर असिस्टेंट MC डोडा के, इन्होंने फाइनेंशियली कुछ मिसमैनेजमेंट की हुई थी, कुछ इधर से उधर बिल किए होंगे तो इनको भी प्री मेच्योर रिटायर कर दिया गया है। इसके अलावा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, जिनको प्री मेच्योर रिटायर किया गया है, उसमें गोहार अल तुगू, इनको भी प्री मेच्योर रिटायर किया गया है। समय से पूर्व ही इन लोगों को घर भेज दिया गया है। इसके अलावा ठाकुर दास हैं, ये इलेक्ट्रिशियन थे म्यूनसिपल कमेटी रियासी के, इन्होंने भी कुछ फंड्स के साथ छेड़छाड़ की हुई थी, इनको भी भेज दिया गया है। और शगुफ्ता फिजाल थे, इनको भी, ये डायरेक्टर थे, सेक्रेटरी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ के, इनको भी प्रीमेच्योर रिटायर कर दिया गया है। तो 9 कर्मचारी जो हैं इनको प्रीमेच्योर रिटायर किया गया है और ये लोग करप्शन में लिप्त पाए गए हैं और समय से पूर्व ही इन्हें घर भेज दिया गया है कि आप आराम करें, रेस्ट करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर सेवाएं दें और लोगों को मूर्ख बनाएं, अपनी पॉकेट भरें, अपनी बिल्डिंगें बनाएं, अपने कंस्ट्रक्शन करें, लोगों का पैसा जो है वो बर्बाद ना करें। तो इसलिए इनको कहा है कि आप घर चले जाएं। लेकिन ये 9 कर्मचारी ही नहीं, इससे पहले भी कई सारे अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है
और कई सारे और अधिकारी हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।